अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मजे से हैं, शाबाश। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि भाई आजकल क्या हो रहा है। जी, मैं रोजाना आके आपसे पूछती हूँ कि आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि भाई कि मेरे दोस्त रोजाना क्या करते हैं, कहीं काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, खराब काम करते हैं, किसी से लड़ाई हो जाती है, क्या है भाई, क्या चल रहा है आपके? अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताइए, मैं तो आपकी दोस्त हूँ, मुझे तो आप बता सकते हैं। मुझे ये बताइए कि जब आप किसी के साथ काम कर रहे होते हैं, घर में होते हैं, आपके साथ कोई गलती हो जाए, आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो क्या करते हैं आप? क्या आप अपनी गलती मान लेते हैं, सॉरी करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। वेरी गुड जी। अगर आप कोई खराब काम करें, भाई किसी से झगड़ा कर लें, या कोई चीज़ आपसे टूट जाए, या आप खराब काम करें, तो जब मम्मा आपको डांटें तो क्या करें आप? सॉरी कर लें। ये ज़रूरी नहीं कि डांटे भी, बल्कि आप खुद ही बता दें कि मम्मा सॉरी, मुझसे ये काम हो गया, मैंने इससे ये गलती हो गई। जी, जब भी कोई गलत काम हो जाए आपसे, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप क्या करें? किसी से भी आप क्या कहें? सॉरी कर लें कि भाई सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई। तो सॉरी करने में कोई मसला नहीं होता। हाँ, कोई डांटता भी नहीं है, और अगर कोई डांट भी देता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो सुन लेते हैं ना, क्योंकि गलती भी तो अपनी होती है ना भाई? हाँ, तो आइंदा से आप क्या करिएगा, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो क्या करेंगे? आगे से सॉरी कर लेंगे। कर लेंगे ना, मैं तो कर लेती हूँ भाई। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं कहती हूँ सॉरी जी, क्या कहते हो, सो सॉरी जी, गलती हो गई भाई मुझसे, है ना भाई? चलें, वेरी गुड। आज की हो गई अच्छी बात, आज करते हैं हम नया काम। और आज भाई हमारा है सबक का आखिरी दिन। जी, हमने सबक कंप्लीट कर लिया है, और सबक कंप्लीट करने के बाद हम करते हैं आखिरी एक्सरसाइज, यानी कि आखिरी मशक। हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए अपने उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब निकालेंगे, और उसमें हम बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं, डॉली, और डॉली की हम देख रहे हैं एक्सरसाइज कौन सी है भाई, कौन से पेज पे है? सफा नंबर 40 हम निकालेंगे। सफा नंबर 40 पे मौजूद है तख्लीकी लिखाई। जी, तख्लीकी लिखाई मौजूद है, कहानी का माहौल दिया हुआ है, और उसमें बताया गया है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये। कहानी में जिस जगह की बात की जा रही है, वो जगह इस कहानी का माहौल होता है, जैसे घर, बाजार, समंदर और चिड़ियाघर। किसी एक कहानी में एक से ज्यादा माहौल हो सकते हैं। क्या बात हो रही है भाई? जी, एक घना जंगल था जहां बहुत सारे जानवर रहते थे, तो माहौल क्या हुआ, कहाँ की बात हो रही है, जानवर कहाँ रहते थे? वेरी गुड, जंगल में। जी, एक बड़े से महल में बादशाह और मलका रहते थे। अब इस कहानी में क्या माहौल दिखाया गया है, फौरन आपके सामने आ गया, जहन में क्या आ गया, एक बड़ा सा खूबसूरत सा महल हो गया, है ना भाई? पहले वाली कहानी में फौरन आपके जहन में क्या आ गया, जंगल। जी, हर तरफ जंगल है, दरख्त हैं, जानवर हैं। और दूसरी कहानी जैसे ही स्टार्ट हुई, उसमें बताया गया कि एक महल है जिसमें कि बादशाह और मलका रहते हैं, तो आपके सामने एक खूबसूरत सा बड़ा सा महल आ गया, ठीक है जी? और अगर मैं कहूं कि आज मेरा स्कूल का पहला दिन था, तो क्या होगा भाई, फौरन आपके सामने क्या आ जाएगा, अपना स्कूल आ जाएगा, कि जी स्कूल में क्या होता है, यानी कि कहानी में क्या माहौल बताया जा रहा है, स्कूल का। वेरी गुड, समझ में आया आपको कि कहानी जब कहीं भी बताई जा रही होती है, सुनाई जा रही होती है, तो उसका एक माहौल होता है कि वो कहाँ पे पेश आ रही है। आया वो बाजार में आ रही है, वो घर पे आ रही है, स्कूल में आ रही है, महल में आ रही है, या फिर किसी जंगल में आ रही है। जैसे कि हमने अब तक अपनी किताब में कुछ कहानियां पढ़ी हैं, कुछ सबक पढ़े हैं ना, उनमें से कौन कौन से सबक थे भाई, जल्दी से बताइए मुझे। एक थी चिड़िया थी, हाँ वो भी हमारा सबक था, जो कहानी बहुत मजे की थी, चिड़िया अपनी कहानी बता रही थी ना। और एक हमने कहानी पढ़ी थी अनोखा ख्याल, है ना भाई?
चूहों की कहानी जो थी वो भी बड़े मजे की थी। और एक कहानी हमने अभी पढ़ी थी, वो क्या थी भाई? डोली की कहानी थी, यानी कि तितली की कहानी थी, वो टिड्डी की कहानी थी। हाँ, वेरी गुड। तो अब भी मुझे ये बताइए, जरा सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए, रिकॉल कीजिए, पीछे की तरफ जाइए कि जब हमने कहानी पढ़ी थी, कौन सी? एक थी चुड़िया, तो उसमें कौन सा माहौल था, कहाँ पे थी वो चुड़िया, कहाँ पे वो कहानी चल रही थी, घोंसला किधर था, क्या था माहौल वहाँ का? क्या बाग का माहौल था, बाजार का माहौल था, महल का माहौल था, फिर किसका माहौल था? वेरी गुड, शाबाश, मस्जिद का माहौल था भाई, वो मस्जिद में वाकया हो रहा था। चिड़िया का घोंसला जो था, चिड़िया जो बातें कर रही थी, वो कहाँ थी? मस्जिद में। वेरी गुड, मस्जिद का माहौल था। अनोखा ख्याल, वो कहाँ पे था, वो जो चूहा था वो कहाँ पे, क्या हो रहा था, कहाँ पे उसने सोचा था वो अजायब घर बनाएगा, चीजें जमा करेगा, किधर कहाँ था, क्या वो किसी बाजार में था, महल में था, घर में था? जी, घर के बाग था वो, जी अपने घर के बाग में था वो चूहा जो था, वो अपने घर के बाग में उसने अजायब घर बनाया था। और तीसरा यानी कि डोली, डोली में जो हमने ये सबक पढ़ा है, इसमें मुझे बताइए कि इसमें कौन सा माहौल है कहानी का, हम कहाँ पे ये कहानी देख रहे हैं कि कहाँ पे डोली जो है वो सो रही है, कहाँ उसके दोस्त खेल रहे थे? जी बिल्कुल, ये ना किसी बाजार, ना घर का माहौल है, ना किसी महल का, बल्कि बाग का माहौल है। शाबाश भाई, आपको तो सारी कहानियां याद है। तो बस ठीक है, यहाँ पे देखिए सफा नंबर 40 पे हमारे पास लिखा हुआ है, आपने अब तक जो कहानियां पढ़ी हैं, बताइए वो कहानियां कहाँ पेश आई हैं। एक थी चिड़िया, हमने अभी इसको डिस्कस किया ना, एक थी चिड़िया कहाँ हुआ था? मस्जिद। हम यहाँ क्या लिखेंगे? मस्जिद की, ये मस्जिद के माहौल में कहानी आई थी। अच्छा जी, इसके बाद अनोखा ख्याल कहाँ था भाई? घर के बाग में ये कहानी पेश आई थी। वेरी गुड, घर के बाग में। और डोली? बाग, बाग में। वेरी गुड, यानी कि हमने बहुत ही आसानी से अच्छे से समझ के बता दिया कि कहानी का माहौल क्या होता है और कौन कौन सी कहानी जो है वो किस माहौल में पेश आई थी। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, अच्छे से देखना है। और फिर आपने क्या करना है भाई, कि जब टीचर आपको कॉल करेंगे, उन्हें बताएं कि कहानी का माहौल क्या होता है, और फिर अपने काम की पिक्चर उनको सेंड कर दें। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।